हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल योर इंटरनेट हेल्पर में बहुत बहुत स्वागत है। तो रेलवे की तरफ से नया अपडेट दिया गया है जिसको लेकर बात करने वाले हैं, जिसमें अगर किसी कैंडिडेट ने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर बोल लिए है या अपने मॉक टेस्ट के लिए जो CBT की मॉक टेस्ट ऑफिशियली जारी किया गया है और साथ में यहाँ पर ऑफिशियल वीडियो भी जारी किया गया है एग्जाम सेंटर के लिए, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि रेलवे के पल पल अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पर रेलवे भर्ती बोर्ड भुवनेश्वर यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर की तरफ से अपडेट दिया गया है, जिसमें यहाँ पे बात करें तो लगभग 3-4 अपडेट यहाँ पे निकल कर आया है। तो यहाँ पे अगर देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन टू व्यू एंड डाउनलोड इक्वल लेटर, तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं जिसमें सभी कैंडिडेट के लिए आने यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालकर अपनी सारी डिटेल्स को यहाँ पे चेक करने के लिए बताया गया है। अपने डेट ऑफ बर्थ मंथ और ईयर यहाँ पे देकर लॉगिन करने के लिए बताया गया है। साथ में यहाँ पे बात करें तो दूसरे अपडेट को लेकर यहाँ पे बताया गया है कि अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है तो यानी अगर आपको किसी हेल्प चाहिए तो हेल्प डेस्क के लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, जो दूसरे ऑप्शन पे आप देख सकते हैं। उसमें अगर बात करें तो तीसरे में यहाँ पे अगर आपने किसी कैंडिडेट ने अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर को फॉरगेट यानी बोल लिया है तो उसमें क्या करें, तो यहाँ पर अगर क्लिक करें तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है यानी यहाँ पर सारे ऑप्शन जारी कर दिया गया है। अगर किसी कैंडिडेट ने अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर बोल लिया है तो इस वक्त क्या कर सकते हैं, तो इस वक्त आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे आना होगा, आपके अपने नाम डालना होगा और अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देना होगा। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना होगा और आपके मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये जो कैप्चा दिया हुआ है ये कैप्चा आपको इस बॉक्स में देना होगा। कैप्चा देने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। तो आप इसी तरह ही आपने अगर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को बोल लिया है यानी अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर मिस हो गया है तो आप इसी तरह ही आपने अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर को याद कर सकते हैं और आपको बिल्कुल 24 घंटे के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी रजिस्टर मोबाइल आईडी में या मोबाइल नंबर में दे दिया जाएगा या ईमेल आईडी में सेंड कर दिया जाएगा। उसमें अगर बात करें तो यहाँ पे मॉक टेस्ट फॉर CBT यानी जो मॉक टेस्ट जो CBT के लिए है वह भी यहाँ पे लिंक जारी कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर पे है। अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे अगर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो मॉक टेस्ट है ऑफिशियल मॉक टेस्ट जो सभी कैंडिडेट के लिए डेमो दिया गया है वह यहाँ पर जारी किया गया है, जिसके लिए हमने एक वीडियो ऑफिशियली या वीडियो हमने आपके साथ पहले शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में जाकर देख सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर साइन इन ऑप्शन में क्लिक करना है और आपकी जो मॉक टेस्ट है वो यहाँ पे जारी हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करें तो लास्ट में जो ऑप्शन दिया गया है 5 नंबर पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो ऑन एग्जाम डे गाइडलाइन अदरिंग और टू COVID-19 प्रोटोकॉल। तो COVID-19 के लिए वहाँ यहाँ पे एक भी वीडियो भी जारी किया गया है यानी एग्जाम सेंटर में जाकर आपको किस तरह यह पालन करना होगा उसके लिए भी एक वीडियो जारी किया गया। तो आपको यहाँ पे अगर ये इस लिंक पे 5 नंबर भी वाले लिंक पे क्लिक करना होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट ये वीडियो ओपन हो जाएगा। तो आप इस तरह ये नया नया अपडेट दिया गया है रेलवे की तरफ से, आप इन सारे ऑप्शन को देखने की कोशिश करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया